दोस्तों, हम फिर आ गए हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग बिफोर कोरोना वायरस एंटिल नाउ। देश में और दुनिया में जो चल रहा है वो बहुत दुख की बात है। अब तक दुनिया में 2,29,813 लोग मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस से, और हमारे देश में 33,610 लोग उस बीमारी से जूझ रहे हैं, और अब तक 1,075 लोग मारे जा चुके हैं। और दोस्तों, देखिए हमारी पिछली वीडियो कोरोना वायरस एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। उस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के बारे में सब जानकारी मिलेगी और वो कहाँ से शुरू हुआ था और बहुत कुछ। और आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग, जो कि बहुत डेंजरस मामला है, उसके बारे में कहेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग सिंपल यानी जो हम इंसान पोल्यूशन करते हैं, जो हमसे ही शुरू हुआ है, जो हमें ही हानि पहुंचाएगा, जो धरती के क्लाइमेट सिस्टम को नष्ट कर रहा है। यह mid-20th century से शुरू हुआ है, जो सबसे आगे है, जो धरती को हानि पहुंचा रहा है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हवा से फैलता है बहुत से, और दूसरे सोर्सेस है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट फायर्स और बहुत सारे। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे ही फ्यूल्स और व्हीकल्स की ज़रूरत बढ़ रही है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में बढ़ रहा है, दूसरा मीथेन और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग में एग्रीकल्चर इमिशन और डिफॉरेस्टेशन और वह खतरनाक गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को नष्ट करने में बहुत बड़ा हाथ है। ग्लोबल वार्मिंग से जो इफेक्ट अब तक हुआ है वो ज़रा सुनिए। सी लेवल्स बढ़ चुके हैं। सी लेवल्स दो प्रकार के हैं, पहला ग्लेशियर्स और लैंड आइस। लैंड आइस मेल्ट होके वो पानी समुंदर को पहुंचता है, और टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बढ़कर सी लेवल से राइज होता है, और चेंज इन एक्सट्रीम वेदर जैसे कि हीट वेव्स यानी सूखा, बिना पानी के खेत। एक्सपेंशंस ऑफ डेजर्ट, यानी जितने रेगिस्तान कुछ साल पहले थे, वो धीरे धीरे बढ़कर अपने हाथों में कई लोगों के घर, गांव अपने शिकस्त में ले रहे हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट। और टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ रहा है। ओवरऑल हायर टेम्परेचर बारिश और स्नो लाता है, लेकिन कुछ जगहों पर, रीजन पर, यह गर्मी ड्रॉट्स लाता है और वाइल्ड फायर्स यानी जंगल में आग लगना। क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को बहुत हानि पहुंचा रहा है, और इस वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। यह जो है वो कोरोना वायरस के आने से पहले की रिपोर्ट है। अब कोरोना वायरस के आने से दुनिया में लॉकडाउन जारी है। और कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन इससे कुछ एटमॉस्फेयर और नेचर को भी पॉजिटिव मिल रहा है, जैसे कि स्ट्रीट्स खाली है, आसमान खाली है, और ना कोई एरोप्लेन, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई इंडस्ट्री के गैसेस, ना कोई चिमनी की धुआं, और बहुत ज़रूरी है, गाड़ियों का पोल्यूशन। इससे आसमान साफ हो गया है। दुनिया में सबका टाइम टेबल बदल चुका है, किसी को पता नहीं चल रहा कब संडे है कब मंडे है। लोगों के दिन नहीं निकल रहे हैं, उनका समय ही नहीं बढ़ रहा है, कई लोगों के घर में झगड़े हो रहे हैं। और तो चीना में जब से कोरोना वायरस ख़त्म हुआ है वहाँ पर ड्यूस के रेट बढ़ चुका है, और कोर्ट में सिर्फ ड्यूस के केस ही चल रहा है, और लायर्स कम पड़ रहे हैं केस लड़ने के लिए। इंडिया में भी लोग खाली बैठे हैं, टाइम पास करने के लिए झगड़े कर रहे हैं। और तो चीना जैसे अभी तक वैसी नौबत नहीं आई है, और यह लॉकडाउन दिन को दिनों में, और दिनों को हफ्तों में, और हफ्तों को महीनों में, महीनों देखना पड़ेगा और एक कितना लंबा जाएगा, यह 2020 हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सलाह ले रहे हैं, कृपया करके किसी की जान हानि ना पहुँचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ ही रहते हैं, जो मैसेज आप फॉरवर्ड करेंगे वो सुनकर कुछ लोग ट्राई करेंगे, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, आप
तो कुछ फॉरवर्ड करने से पहले इंटरनेट में सर्च करेगा, और ठीक है तो हो ही उसे फॉरवर्ड करेगा। तो जब तक ये कोरोना वायरस का मामला ठीक नहीं होता, आप उससे दूर ही रहेगा व्हाट्सएप से। तो आते हैं हमारे एयर पोल्यूशन पर। नासा ने कहा यूएस का 30% एयर पोल्यूशन कम हुआ है, और मिलन और रोम का 45% एयर पोल्यूशन कम हुआ है। पेरिस में 54% कम हुआ है पोल्यूशन, और ये रिपोर्ट कई सालों की रिपोर्ट से ही बहुत बेहतरीन है। और हमारे देश में 40-50% बड़े सिटीज जैसे कि दिल्ली और मुंबई में कम हुआ है। देश भर के 1.3 बिलियन लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, और जलंधर जो पंजाब में आता है वहाँ से हिमालय दिख रहा है, जो करीब 30 साल के बाद उन्हें हिमालय क्लियरली दिख रहा है। और याद रखिएगा, घर से बाहर ना निकले। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जाते वक्त लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।